हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी छोटा होने वाला है, क्योंकि दो हफ्ते से मैंने इतना ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, सो इसीलिए काफ़ी छोटा होने वाला है। एक रेसिपी आपको ज़रूर मैं दूंगी लास्ट में, तो देखना ज़रूर। और नेक्स्ट वीक में मैं आपको दूंगी एक अच्छी सी व्लॉग, सो ज़रूर देखना, मिस नहीं करना। उसके लिए आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को भी हिट कर देना। एंड इंस्टाग्राम पे अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो फॉलो भी करो, ताकि आप छोटी मोटी अपडेट्स आप देख सको। सो रिसेंटली बविक ने स्कूल ज्वाइन कर लिया। लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा स्कूल जाने लग गया है। उसके साथ ही मैंने जिम की फ़ीस भी भर दी थी, जिसके वजह से मैं भी जिम जाती हूँ एक घंटे के लिए। आफ्टर दैट अब मैं घर आके पूरा काम करके फिर मैं निकल जाती हूँ बविक को पिक करने के लिए। जब से मैंने बविक को स्कूल में डाला है, काफ़ी सारी चेंजेस मैंने बविक में देखी हैं। सो अगर आपका भी कोई छोटा सा बच्चा हो या बच्ची हो, तो आप भी उसे डे केयर या तो फिर प्ले ग्रुप में डाल दो जल्दी से। काफ़ी सारी चेंजेस आप देखोगे, काफ़ी सारे गुड मैनर्स आप देखोगे, काफ़ी सारी नई नई बातें आप देखोगे, उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आप देखोगे। सो उन्हें अगर डालते हो तो आप भी मेरी तरह जिम ज्वाइन हो सकते हो, अगर आपके पास फ्री टाइम होगा तो। सो जिम ज्वाइन करने की वजह से मेरा 1 किलो वेट कम हो चुका है। तो अगर आप मॉमी हो और वेट लॉस नहीं कर पा रहे हो, तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत सारे टिप्स दूंगी, क्योंकि मेरे ट्रेनर जो हैं वो मेरे को काफ़ी सारे टिप्स देते हैं, जिसके वजह से मेरा काफ़ी एडवांटेज हो रहा है। सो अगर आप वो सारे टिप्स जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना और बेल बटन को भी हिट करना। सो जिम करने की वजह से एक्चुअली मेरा 1 किलो वेट कम हो गया है। ये इसलिए हुआ है, ये नॉर्मल वेट होता है जो फ्लेक्सिबल वेट, मतलब ऊपर जाता है नीचे आता है, तो वो वाला वेट है वो कम हो चुका है। अब नेक्स्ट वीक देखते हैं कि कितना कम होता है कि नहीं होता है। एक दिन मेरे को करना होता है कार्डियो, एंड सेकेंड डे मेरे को करना होता है वेट्स। सो फर्स्ट दिन कार्डियो में होता है थ्रेडमिल, साइकिलिंग, ऐसी वाली चीज़ें। जो सेकेंड डे होता है वेट्स, उसमें तो डंबल्स वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें, इतना बड़ा बड़ा नहीं होता है डंबल्स वगैरह वेट करना, ऐसा नहीं होता। 1.5 केजेस या तो फिर 2.5 केजेस के डंबल्स, उन्हें लिफ्ट करना होता है बस। काफ़ी आसान लग रहा है मैं जब आपको बता रही हूँ, बट करते वक्त हाथ पैर पूरे सूज जाते हैं। सो आई होप कि मतलब थोड़े दिन एटलीस्ट मैं करूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं करूँगी, बट एक आंटी को मुझे देख के काफ़ी मोटिवेशन आती है उन्हें देख के। वो 12 साल से जो है जिम कर रही हैं, और उन्हें देख के मुझे काफ़ी मोटिवेट फील होता है कि मैं एक महीना भी क्यों नहीं करूँगी, कर सकती हूँ। एटलीस्ट मैंने ज्वाइन तो कर लिया जिम, बट उसे अभी कंटिन्यू करना है, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा वेट कम हो जाए। एंड वेट कम होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यार, क्योंकि आगे आगे बच्चों के पीछे भागने के लिए आपको बहुत ताकत चाहिए होती है। एंड मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं मोटी हूँ इसलिए मैं बविक के पीछे भाग नहीं सकती हूँ, तो एक ये रीज़न की वजह से भी मैंने जिम ज्वाइन किया है। तो आई फील गुड नाउ कि हाँ चलो अच्छा हुआ कि मैंने ज्वाइन कर लिया। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको भी बहुत सारे टिप्स दूंगी, जो मेरे ट्रेनर मेरे को बताएंगे वो वाले टिप्स दूंगी। इस वक्त मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि जो भी जंक फूड है वो नहीं खाना होता है, वो तो सभी को पता है, बट हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करना ही बहुत बड़ी बात होती है। मैंने शुगर जो है कम्प्लीटली ऑफ कर दिया। अगर आप घर पे बैठते हो या तो घर पे रहते हो तो शुगर मत खाओ। शुगर ना खाने की वजह से काफ़ी सारा वेट जो है बैलेंस रहता है, ज़्यादा बढ़ता नहीं है। शुगर की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो शुगर आप कट ऑफ कर दो। उसके बदले में आप हनी, गुड़, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग इज़ एक ही चीज़ उन्होंने मेरे को बोली थी कि अगर आप 2000 रुपीज़ रख के पिज़्ज़ा खा सकते हो तो 2000 रुपीज़ रख के जिम भी ज्वाइन हो सकते हो। ये उन्होंने इसलिए बताया था ताकि मैं मोटिवेट रहूँ, आगे नेक्स्ट क्लासेस में भी मैं ज्वाइन हो जाऊँ, इसलिए वो मेरे को हर बार बोलते रहते थे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कि वेट कम होता है बढ़ता है, देखते हैं क्या होता है। तो चलो मैं आपको रेसिपी दिखा देती हूँ आज डिनर में क्या बना है। तो आज डिनर में मैं बना रही हूँ दही भिंडी मसालेदार वाली, ये काफ़ी टेस्टी होती है। एक बार आप बनाते ही रहोगे पक्का। सो इसके लिए आपको चाहिए होगा कढ़ाई। कढ़ाई में डालो थोड़ा सा तेल, और फ्राई करने के लिए भिंडी को, सो थोड़ा ज़्यादा तेल आप ले लेना, और भिंडी को 1 इंच साइज़ में कट करके इसमें ट्रांसफ़र करके 15 to 20 मिनट्स लो टू मीडियम फ्लेम में आप इसे अच्छे से फ्राई कर लेना। तो इसे फ्राई करने के लिए बगल में रखते हैं, और आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। तो एक्चुअली रिसेंटली एक महीने पहले मैंने ये चॉपिंग बोर्ड
चॉपिंग बोर्ड नहीं, चॉपिंग कटर मैंने लिया था स्ट्रीट मार्केट से, 250 का 2 पीसेस मैंने लिया था। ये काफ़ी अच्छा कटता है और बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास नहीं है तो इसे बाय करो, क्योंकि जनरली हम लोग टीवी में देखते हैं ना, बहुत सारे चॉपिंग कटर्स आते हैं, वो अगर खरीदते हैं तो डबल काम हो जाता है और कटता भी नहीं है। ये ऐसा नहीं है, इसमें बहुत अच्छे से प्याज सब्जी सब कुछ बहुत अच्छे से कट जाता है और इजी टू वॉश है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा, इसमें सिर्फ ये ब्लेड लगाना होता है और सब्जी को आप थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़े टुकड़े में काट के इसमें डाल लो और बहुत ही आसानी से ढक्कन लग जाता है और इसे आप जैसे ही पुल करोगे तो आराम से प्याज भी जो है कट जाता है। तो ये जो पॉइंट दिखा रही हूँ मैं आपको, वो इसके ऊपर रख के जो रेड कलर का है ना यहाँ पे पुल करने के लिए, उससे आपको पुल करना होता है। लॉक सिस्टम भी दिया हुआ है जिसके वजह से प्याज जो है बाहर नहीं आएंगे, कोई भी वेजेस बाहर नहीं आएंगे। तो इसे पुल करने से बहुत ही अच्छे से जो भी साइज़ आपको चाहिए उस साइज़ में ये काट देता है। पराठे के लिए ऐसे कुछ फाइनली हम चॉप करते हैं जैसे चिकन के लिए, तो उस टाइम पे ये बहुत ही अच्छा काम करता है। जब हमारे को बहुत सारे प्याज काटने होते हैं उस टाइम पे ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये देख के मुझे एक ही चीज़ याद आई, मेरे पापा जब भी मेला जाते थे ना तो वहाँ से कोई ना कोई कटर लेकर आते थे मेरी मम्मी के लिए, क्योंकि ताकि मेरी मम्मी को थोड़ा हेल्प हो जाए। बट ऐसा कोई भी कटर नहीं था जो हेल्प कर पाए, बट ये वाला ऐसा है जो आप पक्का खरीद के रख सकते हो और इसके वजह से आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। अगर आपके पास है नहीं तो ख़रीद लो, ये बहुत ही अच्छा काम करता है, आप डेफिनेटली हैप्पी रहोगे, मतलब बहुत ही फास्ट एंड फास्ट आपका काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी भिंडी हो गई है फ्राई, इसे हम बगल में रख लेते हैं। सेम इसी ऑयल में हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और जो प्याज हमने काट के रखा था फाइनली उस प्याज को हम इसमें डाल लेंगे। तो प्याज डालने के बाद इसे अच्छे से फ्राई करना है, लाइट ब्राउन होने तक के लिए फ्राई करना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम में ही रखा है मैंने और जैसे ही हमारे प्याज हल्के से ब्राउन हो जाए इसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा हल्दी, चिली पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा धनिया पाउडर और बहुत ही कम जीरा पाउडर, जीरा ऑलरेडी हमने डाला है तो बहुत ही कम डालेंगे। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेना, जैसे ही आपका मसाला भुन जाए उसके बाद 1 कप दही आप इसमें डाल के बहुत ही लो फ्लेम में आपको 5 मिनट के लिए कुक करना होता है। और इसमें आप सॉल्ट भी ऐड कर दो इस टाइम पे, जितना टेस्ट आप सॉल्ट का पसंद करते हो उस हिसाब से आप डाल लो। और जैसे ही इसमें से हल्का सा ऑयल निकल रहा हो ना उस टाइम पे आप भिंडी इसमें डालना। तो ये थोड़ा सा लेट प्रोसेस है बट बहुत ही अच्छा बनता है। एंड 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के कवर करना ताकि भिंडी जो है अच्छे से अब्ज़र्व कर ले पूरे मसाले को और अपनी रेसिपी जो है बन के तैयार है। इसे आप सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। सो धनिया डाल के गार्निश कर लिया मैंने यहाँ पे। सो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।